हेलो क्लास सेवन, दिस इज़ योर होम साइंस क्लास एंड दीज आर सम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स। एक बच्चे ने कंप्लीट किया है, ये उसकी नोटबुक है। आपको अगर आंसर खोजने में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप लोग यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं इसको, ठीक है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर वन था आपका, डिफाइन होम साइंस, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। तो ये इसका आंसर है, डेफिनेशन है होम साइंस की, थ्री डेफिनेशंस है। और इसके बाद आपको थोड़ा सा होम साइंस के एडवांटेज लिखने हैं जो कि इस बच्ची ने नहीं लिखा है। तो एडवांटेज ऑफ होम साइंस आपको आपकी बुक में मिल जाएंगी, जो भी इसके एडवांटेज हैं। और डेफिनेशन आपको कोई भी एक करनी है इन तीनों में से। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली डिस्कस कॉमनली फाउंड स्किन डिजीज़। तो जितने भी स्किन डिजीज हैं ये हैं सारे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट, इन व्हाट मैनर एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस आवर हेल्थ। तो हमने थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में दे दिया, फिर हमने दे दिया इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, डिफाइन बैलेंस्ड डाइट, व्हाट इज़ अ नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट। तो हमने यहाँ पे बैलेंस्ड डाइट की डिफिनीशन दे दी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिफाइन करना है उस चीज़ को। एंड नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट में देयर आर फाइव पॉइंट्स जो कि आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनल फूड, इन हाउ मेनी डिविजन्स रीजनल फूड मे बी डिवाइडेड। द फूड पेक्यूलियर टू अ पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज रीजनल फूड। और रीजनल फूड का जो रीजन्स हैं वो है हिली रीजन, ईस्टर्न रीजन एंड वेस्टर्न रीजन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हेन डज स्टमक एक अकर, व्हाट आर इट्स सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। तो स्टमक एक है, सिम्टम्स एंड देयर ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ, हाउ नॉइज़ पोल्यूशन मे बी कंट्रोल्ड। तो नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताना है, पूछा नहीं है, ओके। तो उसके बाद आपको देना है इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, डेफिनेशन दे दिया हमने, इफेक्ट्स दे दिया, एंड देन हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे ये तरीका भी बताएंगे इसमें, ओके। फिर कुछ डायग्राम्स आपको दिए गए थे, लाइक सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ये फोर डायग्राम्स एंड ये क्वेश्चन आंसर ये आप कंप्लीट कर लीजिए, ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स टेक केयर, और ये आपकी नोटबुक में कंप्लीट होनी चाहिए। गुड बाय।